नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पिछले एक महीना में परमाणु बम छूटा है, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है और ये सब कुछ टेलीविज़न पे हुआ है। टेलीविज़न पे जब हो रहा था पिछले एक महीना से, आप देखेंगे ना टीवी पे ऐसे ऐसे न्यूज, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे न्यूज चला है कि जो भूतकाल में जितना डर रहे थे ना, उतना ही उससे थोड़ा सा कम इस समय पिछले एक महीना से डर रहे थे। तो जो डर रहे थे ना, वो गिरावट में बेच दिए अपना माल, अपना म्यूचुअल फंड, अपना शेयर, ये बेच दिए। और जो मेरे जैसा व्यक्ति है ना, जो भूकंपों के खौफ से बिल्कुल निडर है, उनका पैसा लाइफ टाइम हाई होने जा रहा है। पिछले एक महीना हम देखेंगे सेंसेक्स ने 5-6% का रिटर्न दिया है, मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया है। मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप समझ लीजिए कि आपको चावल खरीदना है, बहुत ज़्यादा चावल खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे क्या बात करते हैं, छोटे से दुकान में तो जाएंगे नहीं, मंडी में जाएंगे, बहुत सारा चावल खरीद लेंगे क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा चावल है। आपको दूध खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो वहाँ जाएंगे जहाँ गाय भैंस काफ़ी ज़्यादा हो, जिनको वाला के पास, उनसे जाके दूध ले लेंगे। चांदी खरीदना है तो छोटे से दुकान में नहीं जाएंगे, ज़्यादा चांदी खरीदना है तो आप बड़े व्यापारी के पास जाएंगे, वहाँ से चांदी खरीद लेंगे। अब आपका मेन क्वेश्चन होता है कि पैसा कमाना है, बेतहाशा पैसा कमाना है, अपने पास संग्रह करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, किसके पास है, समझने का कोशिश कीजिए। क्या किसी गांव के पास है, किसी शहर के पास है, किसी नेता के पास है, अभिनेता के पास है, कहाँ है सबसे ज़्यादा पैसा? तो आंसर आपको मिलेगा, खोजने का कोशिश करेंगे तो उस दिशा में खोपड़ी लगा के सोचेंगे ब्लूटूथ ऑन करके कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, तो पता चलेगा भारत देश में जितना कंपनी है लिस्टेड, 5251 लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी में, 5251 लिस्टेड कंपनी में टोटल पैसा है 2 करोड़ 77 लाख करोड़। कितना होता है इसको समझते हैं, 2 करोड़ 77 लाख करोड़। अब दिल्ली का अगर आबादी देखेंगे तो 3 करोड़ 20 लाख है, 3 करोड़ 20 लाख। थोड़ा सा दाएं बाएं से काट कर हटा दीजिए तो 3 करोड़ 20 लाख से बच करके 2 करोड़ 77 लाख अगर बच जाए, उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए। झुग्गू में रहने वाले को, झोपड़ी में रहने वाले को, रोड पे चलने वाले को, भिखारी को, गरीब को, अमीर को, पान बेचने, चाय बेचने वाले, सबको दे दीजिए 1-1 करोड़ रुपया। तो इतना पैसा मार्केट में है और वो मार्केट टोटल कितना है, 5251 कंपनी के पास है। उसमें से जो टॉप 10 कंपनी है, क्या मतलब है टॉप 10 कंपनी का, 5251 को एक्सेल शीट में लगा दीजिए, सबसे अमीर कंपनी जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है टॉप 10, उसके पास पैसा है 73 लाख करोड़। मतलब ये 2 करोड़ 77 लाख करोड़ है, 73 लाख करोड़ इसी के पास है, तो सच्चा हुआ 28, लगभग 25% पैसा टॉप 10 कंपनी के पास है, बाकी सब दूसरे कंपनी के पास है। तो यहाँ से अगर आपको पैसा कमाना है अगर, तो सबको यहीं पे जाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कमाना है तो, कम पैसा कमाना है तो इंश्योरेंस के पास चले जाइए, बैंक FD के पास चले जाइए, किसान विकास पत्र खरीद लीजिए, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना खरीद लीजिए, PPF में डाल दीजिए, NPS में डाल दीजिए, क्योंकि उसके पास पैसा इससे तो कम ही है, इससे ज़्यादा किसी के पास पैसा है ही नहीं, ये पूरा है, इससे ऊपर नहीं है। भारत देश का बात करते हैं, वर्ल्ड का बात नहीं कर रहे हैं, भारत देश में इससे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। किसी के पास है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे अगर आप पैसा डालते हैं, नया है, शुरुआत नहीं किए हैं, इधर उधर प्लॉट फ्लैट सब कुछ खरीदे तो हैं, NPS ये वो ताम झाम सब कुछ खरीद के रखे हैं और मार्केट से डर लग रहा था, तो 25,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं 15 साल के लिए 13% के रेट से आपको 1 करोड़ 38 लाख रुपये बनाता है। फिर से वही कैलकुलेटर में जाएंगे और देखेंगे तो कैलकुलेटर में पैसा बनता है 25,000 रुपये पर मंथ, 15 साल, 13% के रेट से 45 लाख जमा होगा, 1 करोड़ 38 लाख रुपये बनता है। यदि गलती से 15-16% मिल जाए तो ये पैसा 1 करोड़ 69 लाख रुपया हो जाता है। तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा नहीं बनेगा, 6% से 7% से क्या बनेगा। आप कहेंगे फिर से वही म्यूचुअल फंड, आप एक बात बताइए गारंटी कहाँ है म्यूचुअल फंड में, गारंटी कहाँ है फिर से ले देके वही 13% 15% करते रहते हैं आप, गारंटी कहाँ है? आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो इतना गुस्सा करके बोल रहे हैं कि गारंटी कहाँ है, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं 10 लाख रुपये देता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा जगह बता दीजिए कि 15 साल तक गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के
कोई बता दे कि गारंटी है आपको 6% 7% 8% के रेट से गारंटी है देते हैं, कहीं लिखा हुआ 15 साल के लिए बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि 15 साल के लिए यहाँ पे गारंटी है, मैं वहाँ 10 लाख रुपया लगा दूंगा। जब कहीं गारंटी है ही नहीं तो क्यों नहीं वैसे जगह पे पैसा लगाया जाए जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बढ़ने का, 15% 16% 20% 22% तक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है 10% मिल गया तो कोई बात नहीं, बैंक से तो ज़्यादा ही होगा, पोस्ट ऑफिस से तो ज़्यादा ही होगा। जो लोग 15 साल तक इन्वेस्ट है, मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपने 15 साल 14 साल 13 साल इन्वेस्ट करके रहे और आपका रिटर्न 10% से कम हो, मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि ऐसा हुआ है। तो मिला जुला के बात यह है कि आपको पैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं तो ये 25,000 रुपये का बात करता हूँ। यदि आपके पास कोई घर नहीं खरीदा है, EMI नहीं चल रहा है, कोई तामझाम में नहीं फंसे हैं, यदि 50,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, आने वाले 15 साल तक थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप रिमेन इन्वेस्टेड रहिए तो 15% के रेट से 3,38,00,000 रुपये बनाए। आपके पास इतना पैसा नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपने ज़िंदगी में कभी कैलकुलेट नहीं किया है। मेरे पास इतना पैसा है, इसका सिंपल मतलब है कि मैंने 14-15 साल पहले ये कैलकुलेशन किया था, तब मेरे पास वो पैसा है जिसके बदौलत मैं कहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुका हूँ। आप भी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन कैलकुलेट करेंगे उसके 12-13-14 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।